इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक शॉपिंग प्रोसेस की सिमुलेशन करेंगे विद द यूज ऑफ डिसाइड मॉड्यूल। यहाँ पे मेरे पास मैन का अराइवल है और ये मेरे पास वुमेन का अराइवल है। देन मेरे पास एक प्रोसेस है जिसके अंदर शॉपिंग कार्ट की एलोकेशन जो है वो डिफाइन की जाएगी, और नेक्स्ट स्टेज के अंदर मेरे पास डिसाइड का मॉड्यूल है जो कि डिफाइन करेगा अगर मैन शॉपिंग करने के लिए आया है तो यहाँ पे उसका टाइम शो किया जाएगा, और अगर वुमेन शॉपिंग के लिए आई है तो उसका यहाँ पे प्रोसेस शो किया गया। देन जो शॉपिंग कार्ट है उसको फ्री किया जाएगा और सिस्टम से उसको डिस्पोज करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्रिएट के मॉड्यूल के अंदर मैन का अराइवल है और मीन हर 5 मिनट्स के बाद एंटिटीज जो हैं वो सिस्टम के अंदर एंटर होंगे, मीन मैन की टाइप जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है वो सिस्टम में एंटर होंगे। देन मेरे पास वुमेन के लिए क्रिएट का मॉड्यूल है और यहाँ पे वुमेन का अराइवल होगा और हर 10 मिनट्स के बाद वुमेन जो है वो सिस्टम के अंदर एंटर होंगी। नेक्स्ट मेरे पास प्रोसेस 1 का मॉड्यूल है जहाँ पे मैंने सीज डिले का एक्शन यूज किया है जिसके अंदर मैंने एक रिसोर्स डिफाइन की है, दैट इज द कार्ट, मतलब जो शॉपिंग कार्ट है उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जो भी सिस्टम के अंदर पहली एंटिटी आएगी उसको पहले ये शॉपिंग कार्ट जो है वो असाइन हो जाएगी, और इसका जो टाइम है हमारे पास वो कॉन्स्टेंट रहेगा, मेन 0.5 मिनट के इस प्रोसेस के अंदर टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा कार्ट को प्रोवाइड करने के लिए किसी भी कस्टमर को। नेक्स्ट मेरे पास डिसाइड का मॉड्यूल है। डिसाइड के मॉड्यूल में मैंने टू वे बाय कंडीशन को यूज किया है जहां पे मैं एंटिटी टाइप की जो कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसका नेम मैंने मैन लिख दिया है। इसी तरह से वुमेन और मैन दोनों के लिए है, मीन ट्रू केस के लिए मैंने मैन को फॉलो किया, और क्योंकि मेरे पास टू वे बाय कंडीशन है तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ मैन को यहाँ पे यूज करूंगा। तो अब क्या होगा, जब यहाँ पे मेरे पास टाइप मैंने मैन डिफाइन की थी तो जो भी एंटिटीज अब इस क्रिएशन से आएंगी उनकी टाइप जो है एंट्री टाइप वो मैन होगी, और जो एंटिटीज मेरी इस क्रिएटिव मॉड्यूल से आएंगी उनकी टाइप मैंने वुमेन डिफाइन की है। अब डिसाइड में जब मैं टू वे बाय कंडीशन बता रहा हूँ तो मतलब जो मेरी एंटिटी टाइप है मैन की वो इस ट्रू पाथ को फॉलो करेगी, और यहाँ पे मैन की प्रोसेसिंग का टाइम डिफाइन किया है, डेट इज डिले, मीन अब वो शॉपिंग जो है यहाँ पे होगी कुछ डिले होगा कुछ टाइम के लिए, और वो डिले को मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किया है, डेट इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एवरेज ऑफ 10 मिनट्स, मीन ऑन एवरेज जो मैन है वो 10 मिनट्स कंसिडर करेगा फॉर शॉपिंग प्रोसेस के लिए, और 10 मिनट्स के बाद वो इस प्रोसेस से शॉपिंग के प्रोसेस का जो डिले है वो एंड होगा, और वो जो शॉपिंग कार्ट थी उसको रिलीज कर दिया जाएगा बाय यूजिंग द एक्शन टाइप ऑफ डिले रिलीज। एंड देन इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 30 सेकंड का टाइम रिक्वायर्ड है कॉन्स्टेंट टाइम होगी। मतलब ये है कि जहाँ पे जो मैन आएगा सिस्टम में उसको शॉपिंग कार्ट प्रोवाइड की जाएगी, देन डिसाइड होगा कि उसने इस पाथ पे जाना है या इस पाथ को फॉलो करना है। मैन है तो इस पाथ पे आएगा, वुमेन है तो वो इस पाथ को फॉलो करेगी, मीन डिले की टाइप को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। वुमेन के लिए डिले टाइप को 1 और डिफाइन किया गया है, और 10 मिनट जो है वो डिफाइन किया गया है, मतलब टाइम जो है शॉपिंग का दोनों के लिए वेरी करेगा। देन जो भी एंटिटी आपकी इस साइड से आएगी या इस साइड से आएगी उसको फ्री करवा दिया जाएगा शॉपिंग कार्ट के थ्रू, तो डिले रिलीज की एक्शन की जो लॉजिक है वो यहाँ पे यूज की गई है, देन एंटिटी जो है वो सिस्टम से आउट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप यहाँ पे डिले सीज डिले यूज कर रहे हैं तो आपने डिले रिलीज यहाँ पे लाजमी यूज करना है, अदरवाइज आपको सिमुलेशन में एरर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे रिसोर्स को कैप्चर कर लिया है, सीज डिले मतलब रिसोर्स को आपने कैप्चर कर लिया और डिले है। अब जब तक आप उसको रिलीज नहीं करवाएंगे आपकी एंटिटी जो है वो सिस्टम से बाहर नहीं जाएगी, और नेक्स्ट एंटिटी जो है वो उस प्रोसेस को असेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास शॉपिंग कार्ट के लिए एक्सप्रेशन डिफाइन किया हुआ है NR, जो कि करंट नंबर जो मेरे पास रिसोर्सेज है उसको रिप्रेजेंट करेगा, और मेरे पास एक ही कैपेसिटी है रिसोर्स की, दैट इज शॉपिंग कार्ट जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, इसकी कैपेसिटी RD1। अब मैं सिमुलेशन को रन करूंगा, यहाँ पे देखिए मैन की क्रिएशन हुई, यहाँ से वुमेन की क्रिएशन हुई, और यहाँ पे आपकी एंट्रीज जो है वो क्यू में आती जा रही है, और यहाँ पे डिसीजन हो रहा है वुमेन है तो वो इस पाथ से जा रही है, मैन है तो इस पाथ को फॉलो कर रहा है, एंड सो ऑन। अब वुमेन अभी शॉपिंग में है, मैन अभी कोई भी शॉपिंग में नहीं है, और एक एंट्री सिस्टम से आउट हुई है।
नेक्स्ट एंट्री सिस्टम से आउट हुई, यहाँ पे देखें मैन आ गया। यहाँ पे अब आप देखें जो मैन है वो शॉपिंग में गया है, वुमेन अभी यहाँ पे कोई भी शॉपिंग परफॉर्म नहीं कर रही, क्योंकि हमारे पास एक ही रिसोर्स जो है वो अवेलेबल है यहाँ पे, दैट इज शॉपिंग कार्ट, और इसकी कैपेसिटी 1 है। देन उसको फ्री करवाया जाएगा और देन वो जो है आपके सिस्टम से आउट होता जाएगा, ठीक है। तो ये डिसाइड का मॉड्यूल जो है ये डिसाइड कर रहा है कि अगर मैन की टाइप आती है तो उसको इस पाथ को फॉलो करवाया जाए, और अगर वुमेन है तो उसको इस पाथ पे फॉलो करवाया जाए। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने टू वे बाई कंडीशन को यूज करते हुए इस सिमुलेशन को परफॉर्म किया है विद द हेल्प ऑफ डिसाइड मॉड्यूल। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट सेशन के अंदर मुझे बताएं, मैं डेफिनेटली आपके हर क्वेश्चन और क्यूरी का आंसर करूंगा। थैंक यू।